साथ स्वागत है आपके साथ, मैं हूं नवजोत रंधावा, मेरे साथ शगुफ्ता हैं और हम आज चर्चा कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जिसका इंतजार और बस कुछ ही घंटों का और इंतजार और उसके बाद नतीजे आपके सामने होंगे। एग्जिट पोल ने कुछ तस्वीर पेश की है लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ जो तमाम ज्योतिष आचार्य, एक बार फिर से मैं आप परिचय करा देती हूँ, उनके नंबर्स क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ हैं, श्रुति द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रतीक जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं और सचिन शिरोमणि जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब शगुफ्ता जरा जल्दी से बता दिया जाए कि एग्जिट पोल के नतीजे हम दिखा चुके हैं लेकिन हमारे ज्योतिष आचार्यों के नतीजे क्या कह रहे हैं, नंबर्स एक्चुअली यूपी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। ये है शैलेंद्र पांडे जी का अनुमान। देखिए, बीजेपी को 207 से 280 सीटें मिल सकते हैं, एसपी को 130 से 150, बीएसपी 2 और कांग्रेस सिमट कर रह सकती है 2 पर। ये है शैलेंद्र पांडे जी की भविष्यवाणी जो उन्होंने की है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। संजय शर्मा का अनुमान है कि बीजेपी 280 से 307, एसपी 80 से 125 सीटें, बीएसपी 10 से 12 और कांग्रेस 8 से 10 पर सिमट कर रह सकती है। यह है संजय शर्मा जी की भविष्यवाणी। प्रदीप भट्ट जी का क्या कहना है, बीजेपी 270 प्लस या माइनस 30 है ना, और एसपी जो है वो 100 प्लस भी जा सकती है, माइनस 20 भी हो सकता है यहाँ पर। बीएसपी जो है वो 6 ये बढ़ भी सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है। कांग्रेस 25 ये प्लस हो सकता है और माइनस 5 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सचिन शिरोमणि जी का यह अनुमान, बीजेपी 240 से 260, एसपी 140 से 160, बीएसपी 2 से 3, कांग्रेस 2 से 4 सीटों पर सिमट सकती है यहां पर। ये हमारे तमाम ज्योतिष एक्सपर्ट्स जो हैं उनका अनुमान आपको बता रहे हैं। श्रुति द्विवेदी जी कहती हैं कि बीजेपी 250 से 270 का आंकड़ा छू सकती है, एसपी 70 से 90, बीएसपी 1 से 2 और कांग्रेस 2 से 3 सीटें महज इनके खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की पिक्चर जो हमने आपको दिखा दी है। अब हम रुख करेंगे पंजाब की तरफ क्योंकि पंजाब में चुनाव हुए हैं और पंजाब में 10 तारीख को नतीजे आने हैं। 10 तारीख मतलब कि नंबर 1। और इसमें पंजाब में कितनी पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में थी, 5 कोणीय मुकाबला इस बार पंजाब में था। बीजेपी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों ने गठबंधन किया था, वो चुनावी मैदान में थे, बीजेपी की कुंडली हम खंगाल चुके। कांग्रेस मुख्य पार्टी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी वहां पर रहा, कांग्रेस की कुंडली हम खंगाल चुके हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी जो पिछली बार 2017 में भी चुनावों में थी, इस बार भी चुनावों में थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की जो बड़ी पिक्चर है अगर हम सर्वेज के हिसाब से देखें, अगर हम एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। उसकी कुंडली हम शैलेंद्र पांडे जी से जानेंगे और साथ ही साथ अकाली दल जो अभी तक बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ता है, इस बार बीएसपी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो सबसे पहले शैलेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी की कुंडली क्या कहती है क्योंकि कल का दिन बहुत अहम है उनके लिए। देखिए, एक तरफा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सफलता मिलेगी और आम आदमी पार्टी के सितारे भी अच्छे हैं, निसंदेह पंजाब में एक बड़े पार्टी के तौर पर उभर करके सामने आ सकते हैं। यानी दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी जहां पर ये सब काम अब करेगी, ये मुफ्त वो मुफ्त, ये काम अब वो पंजाब में करने का प्रयास कर सकती है। लेकिन कांग्रेस को आप एकदम कम अभी भी नहीं आंक सकते। अगर हम कांग्रेस की कुंडली देखते हैं और पंजाब के साथ मिला करके देखते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बहुत दूरियां मेरे हिसाब से नहीं दिख रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है जैसा मैंने सबसे पहले कहा था कि बहुमत बड़ा स्पष्ट होगा, चाहे जिसको भी मिले, एक सीट से मिले, दो सीट से मिले, लेकिन मिलेगा स्पष्ट। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का फासला बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हो सकता है एक 60 पाए, एक 55 पाए, एक 50 पा जाए, एक 55 पा जाए, यानी आसपास की संभावना यहाँ पर दिख रही है। जी जी, आम आदमी पार्टी इसमें सर्वाइवल में मजबूत है, ये बात हम जरूर कहेंगे। जी श्रुति जी, आम आदमी पार्टी क्या कहता है, उनकी कुंडली का गणित। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं और इनकी कुंडली की बात करूं तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। मैं शुरू से कहते आ रही हूं कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, लेकिन हाँ, कैंडिडेट जो सीएम का चूज़ किया है वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे भगवंत मान को लेकर थोड़ा सा डाउट नज़र आ रहा है क्योंकि 7:30 भी है, शनि की महादशा भी है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करूँगी तो डेफिनेटली लास्ट
थ्री मंथ्स बैक मैंने कह दिया था कि आम आदमी पार्टी आउट परफॉर्म करेगी पंजाब में, लेकिन जहां बात आती है नवजोत जी कि कैसे, क्या ये गवर्नमेंट फॉर्म करेगी कि नहीं, परफॉर्मेंस अलग है और गवर्नमेंट फॉर्म करना अलग है, तो गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली सिचुएशन बन रही है कि नहीं, इस पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो दो पंजाबी एंकर्स बिठा दिए बल्ले बल्ले करने के लिए। प्रतीक जी मुझे ये बताइए कल बल्ले बल्ले कौन करने वाला पंजाब में? डेफिनेटली आम आदमी पार्टी कर बजना। डेफिनेटली आम आदमी पार्टी बेटर करने जा रही है, लेकिन जैसा कि श्रुति जी ने भी कहा, भगवत मान की कुंडली बहुत कमजोर हो जाती है। दसवें भाव पे सूर्य नीच का, सत्ता तो मिल जाएगी क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के नाम पे मिल रही है और उनके मुफ्त वादों के नाम पर, लेकिन क्या वो वादे जमीन में उतरेंगे? क्योंकि बृहस्पति राहु 12वें भाव में, 12वां भाव निश्चित तौर पर एडिक्शन के लिए भी जाना जाता है, वहां पे बृहस्पति राहु एक साथ, तो जो कि भगवान मान। एक सवाल अब आपसे, आप दोनों से ये सवाल मैं करना चाहती हूँ, वो ये कि चलिए मान लीजिए नंबर्स आम आदमी पार्टी ले गई, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि भले ही प्रेडिक्ट इन लोगों ने भगवंत मान को आगे रखा हो और लास्ट पे कह दे कि नहीं सीएम हम किसी और को, पॉसिबली हो सकता है? नवजोत मेरे हिसाब से लगता है राघव चड्ढा की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि इनिशियल गेम ये भगवंत मान को लेकर चल रहे, हो सकता है भगवंत मान आगे करें ही ना, हो सकता है ये बदल दें लास्ट मिनट पे, हो सकता है कि ये भी हमें ध्यान में रखना है नवजोत के, अगर बीजेपी की 20-25 सीट्स आ जाती हैं, मैंने पहले भी बोला गवर्नमेंट फॉर्मेशन और अकाली दल की अच्छी खासी आ गई, तो जो हम 60-70 का आम आदमी पार्टी का कर रहे हैं, अगर अलायंस की सरकार बन जाए पंजाब में, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। इसकी पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं दिखती हैं बिल्कुल भी। भगवंत मान रहेंगे, अभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हाँ लंबी रेस के घोड़े नहीं है। बृहस्पति राव गुरु चांडाल सुख भंग हो जाता है। सूर्य निश्चित तौर पर दसवें भाव में अगर नीच के हो जाए तो बचा क्या कुंडली में? देखिए कुंडली हमारे सामने है, बृहस्पति राव 12वें में और सूर्य नीच की स्थिति में, निश्चित तौर पर बहुत खराब स्थिति बनी हुई है, तो वो बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं करेंगे, राजनीति में बने रहेंगे क्योंकि सूर्य 10वें में आ गया, बहुत बली हो गया, नवम में मंगल है उनका, निश्चित तौर पर चकाचौंध में है, आज से नहीं है 30 साल से है, लेकिन राजनीति में मुख्यमंत्री जैसा पद संभाल लेना नहीं पॉसिबल है इस कुंडली के हिसाब से। सचिन जी बिल्कुल आपका प्रेडिक्शन? देखिए नवजोत जी, यहाँ पर जो इन्होंने आकलन बताया है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है इनके लिए, वो बात से मैं बिल्कुल शत प्रतिशत सहमत हूँ, क्योंकि सूर्य सत्ता का कारक है और वही जब नीच का हो जाए और कारको भाव नाशय, कारक जिस भाव में आ जाए और वह नीच का हो जाए, तो बहुत मुश्किलें ऐसे व्यक्ति के आगे आती हैं। और रहा गुरु राहु का चांडाल, ये जो प्रतीक भाई ने बताया कि ये जो एक नशे की आदत और एक जो लत का जो योग है गुरु राहु का, तो ये बहुत जो है व्यक्ति को अपने आप को चकाचौंध में रखने के लिए हर संभव ये प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी जो नीच का यहां पर सूर्य है, इनको राजनीति से अलग नहीं निकालेगा, रखेगा तो राजनीति में ही, लेकिन हर तरीके से ये स्थितियां नहीं बन रही कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएं। और बन के ये भी तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए बने और फिर देखिए नवजोत जी, उसमें क्या है कि यहाँ जैसा कि श्रुति जी ने भी कहा कि 7.5 इनकी चल रही है, तो 7.5 के अंदर उतार चढ़ाव जो है बिल्कुल लाजमी है, कुछ समय के लिए इनको बना दिया जाए, उसके बाद जैसा कि राघव चड्ढा जी की कुंडली स्ट्रांग है, उसके बाद से उनको आगे कर दिया जाए। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास लौटूंगी, जरा शैलेन जी के पास जाऊंगी, क्योंकि शैलेन जी एक बड़ी पार्टी शिरोमणि अकाली दल, अभी तक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल प्लस बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच मुकाबला होता आया है, क्या हम शिरोमणि अकाली दल को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं उस हिसाब से, जो ग्राउंड पर पिक्चर एटलीस्ट जो मैं देख के आई हूँ, वो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आपकी कुंडली क्या कह रही है आपके हिसाब से? देखिए शिरोमणि अकाली दल का जो चेहरा है वो सुखबीर बादल है, और शिरोमणि अकाली दल की अगर हम कुंडली देखते हैं तो इसके हिसाब से तीसरे नंबर पर ये पार्टी आ सकती है। अगर पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी है तो उसके बहुत ही नज़दीक कांग्रेस दिख रही है, तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल आ सकती है, और अगर गठबंधन की गणित बैठी तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। जैसा कि हमारे तमाम विद्वान मित्रों ने कहा कि भाई जो आपने सीएम का चेहरा बनाया है ना, वो सही नहीं है, इसलिए उसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी को। फिर मैं कहूंगा कि जितनी बुरी तरह आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान होगा, उतना बुरा नुकसान नहीं होगा जी। हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने का नुकसान कांग्रेस को जरूर हो रहा है जी। संजय जी भी हैं, संजय जी आपको क्या लगता है सुखबीर बादल की कुंडली को देखते हुए, चक दे फट्टे हो जाएगा कल के दिन? बिल्कुल, मुझे जो लगता है कि ये बहुत ज्यादा तो नहीं पर 20 और 25 जो है सीटें जरूर लेके आएंगे, और आम आदमी पार्टी जो है
55 से 60 सीटों पे पहुंच सकती है और कांग्रेस का जो है 39 से 44 तक मुझे अनुमान लग रहा है। और जहां तक भगवंत मान जी की कुंडली अभी जो मैंने देखी है उसके हिसाब से ये मुख्यमंत्री की दावेदारी जरूर पेश करेंगे और दावेदार हैं भी ये कुंडली के हिसाब से, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये रहेंगे तो 1 से 1.5 साल ही जो है मुख्यमंत्री रह पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएंगे ये जी। ये हालांकि ये सत्ता के गलियारों में खबरें बहुत ज़्यादा प्रतीक जी फैल रही हैं कि अब आम आदमी पार्टी जीत तो रही है लेकिन क्या वो उस वायदे पर स्टिक रहेगी कि हाँ हमारा चेहरा भगवंत मान होगा। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हम अभी सुखबीर बादल की बात कर रहे थे, वहाँ पर भी बात ये हो रही, चुनाव इस बार भले ही अलग अलग लड़े हैं लेकिन अंदर खाते आप याद कीजिए कि उधर चुनाव खत्म ही हुआ था और विक्रम मजीठिया की तरफ से पहले ही स्टेटमेंट आ गया था कि हमें कोई परहेज नहीं होगा बीजेपी के साथ जाने में। ये भी ये वाला गठबंधन कितना स्ट्रॉन्ग नजर आता है, ये गठबंधन में इस बार दम नहीं बची है क्योंकि आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा सीटें ले जा रही है कि किसी के लिए अब कुछ बचेगा नहीं। 117 सीट की विधानसभा है और जो मेरा आकलन है अभी तक 75 to 100। अच्छा, तो 75 to 100 अगर आप किसी पार्टी को मिल जाते हैं तो उसके बाद कुछ बचा नहीं है। नहीं सर, ये मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ, हो सकता है लेकिन मेरा आकलन है 75 to 100 आम आदमी पार्टी लेगी तो उसके बाद अकाली दल और सब डबल डिजिट पे 10-20 हो सकता है चांसेस हैं। ये हंग वाली बहुत बड़ी पिक्चर, क्योंकि कुंडली के हिसाब से ना हंग असेंबली का भी योग बनता है ज्योतिष के हिसाब से। पंजाब की कुंडली मतलब इस बार हंग पे, पंजाब की जो राशि है उसके हिसाब से रहा है कि कभी भी पंजाब में हंग नहीं आए है, 50 से क्लियर मैंडेट रहा है, 50 और 60 के बीच में ही जो है योग बन रहा है आम आदमी का और उससे नीचे भी हो सकता है। भगवंत मान का सूर्य नीच का है इस कारण से तो हंग की पोजीशन भी लग रही है। मुझे हंग भी लग रही है, मुझे लग रहा है 50 से 60 ये जो कह रहे हैं मैक्सिमम 60 to 70 के बीच में हो सकता है आम आदमी पार्टी का। लेकिन आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्मेशन योग तो नजर आ रहे हैं लेकिन फॉर्मेशन मुझे नहीं लग रहा कि होगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोअलिशन गवर्नमेंट में बन के आएगी। एक सवाल सचिन जी, क्योंकि देखिए हंग वाली तस्वीर पहले तक आ रही थी लेकिन एग्जिट पोल के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं आपके हिसाब से। लेकिन हंग जहां पर होने की स्थिति नजर मुझे नहीं आती क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, क्योंकि जो फ्री का जो वादा होता है ना नवजोत जी, ये हर व्यक्ति के हाँ ये लंबा भी चलता है। लेकिन वो फ्री वाले वायदे अगर आपने पढ़े, ये एक ऐसा लच्छा है जो व्यक्ति इसमें फंस जाता है। फ्री वाले वायदे ना उसके बाद अगर 300 यूनिट इन्होंने फ्री बिजली दी थी तो उसके पीछे पीछे कांग्रेस भी आई थी कि हम 400 दे देंगे, अकाली दल वाला भी फ्री आया था, अकाली दल छोटा सा रिएक्शन चैलेंज से हंग वाली पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा चैलेंज। मैंने शुरुआत में कहा कोई भी चीजें कंफ्यूजिंग नहीं होंगी, स्पष्ट सरकार बनेगी। हाँ, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जिसकी भी सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की संभावना ज़्यादा लग रही है लेकिन उन दोनों के बीच का अंतर बहुत नहीं दिख रहा है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 55 से 60 सीट तक आम आदमी पार्टी और 45 से 50 सीट तक कांग्रेस पहुंचेगी। कांग्रेस की परफॉर्मेंस अभी भी इतनी बुरी नहीं होगी अगर उन्होंने नेतृत्व नवजोत सिद्धू को नहीं दिया होता और इन्होंने नेतृत्व भगवंत मान को नहीं दिया होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन दोनों ही जगह ऐसे अद्भुत प्राणियों को ये ले आए हैं कि इनकी अपनी पार्टी का नुकसान निश्चित रूप से हो रहा है। मतलब लच्छा परांठा का वो गणित जो है वो सही साबित हो सकता है वहां पर। लच्छे परांठे में गुच्छे ना पड़ जाए कहीं पे। चलिए श्रुति जी बताइए नंबर्स, किसको किस पार्टी को कितने नंबर्स दे रही है। आम आदमी पार्टी 60 to 70 सीट्स, आई थिंक 50-60 के अंडर ही मेरे को ज़्यादा संभावित लग रहा है। 60 आगे तब भी बना लेंगे सरकार, नहीं कोलिशन के चांसेस हैं। कांग्रेस 30 to 35, शिरोमणि अकाली दल 25 सीट्स, बीजेपी 9 से 12 सीट्स। क्या बात है प्रतीक जी, आपका अनुमान क्या कहता है? मेरा राज्य है ये, हम दोनों का राज्य है पर... नहीं इसीलिए मैं इसीलिए मैं खूब खूब के कदम रख रहा हूँ। तो खास तौर से जैसा पांडे जी ने कहा मैं टोटली एग्री करता हूँ, सूर्य मंगल हर चीज स्पष्ट रखते हैं, प्लस और माइनस, हार या जीत। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को निश्चित 75 से 100 के बीच सीटें मुझे दिखती हैं, मेरा आकलन है, मेरा ज्योतिषी गणित है। इसके अलावा अगर दूसरी पार्टी इस पर जाएँ तो बीजेपी कांग्रेस माफ करिएगा 25 से 35 के बीच दिख रही है और बीजेपी 18 से 22 की तरफ 18 to 22 अराउंड और शिरोमणि
8 से 10 सीटों पर। ये तो आपने गजब कर दिया, शिरोमणि अकाली दल कम और बीजेपी ज्यादा दे दी आपने, क्योंकि अमरिंदर इफेक्ट आएगा। अमरिंदर इफेक्ट आपको लग रहा है कि काम करेगा? थोड़ा काम करेगा अमरिंदर सिंह वाला इफेक्ट। संजय जी, जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी 50 से 60 सीट, बीजेपी 2 से 5 सीट, कांग्रेस 39 से 44 और अकाली दल 20 से 25 सीट पे पहुंचने की पूर्ण संभावना है। सचिन जी, फ्री वाला मायाजाल काम करेगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ काम करेगा। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी जो है 60 से 62 और कांग्रेस जो है 45 से 50 के लगभग, और इसके साथ ही यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, माफ कीजिएगा, अकाली दल की वो 6 से 8 और बीजेपी 4 से 6, आम आदमी पार्टी 60 से 62 के करीब मैंने आपको बताया, और कांग्रेस जो है वो 45 से 50 के लगभग। इसी के साथ ही 6 से 8 जो है वो अकाली दल और बीजेपी जो है वो 4 से 6 के मध्य यहाँ पर सिमट सकती है। चलिए, ये पंजाब की बड़ी पिक्चर है। अब आप चाहे फ्री कह दें चाहे कुछ भी कह दें, लेकिन यहाँ पर कम से कम जो जितने ज्योतिष आचार्य इस वक्त यहाँ पर इस पैनल में बैठे हैं, सबके हिसाब से जो क्लियर मैंडेट है वो आम आदमी पार्टी को है। शैलेंद्र जी पहले इस बात को कह चुके हैं कि बिल्कुल स्पष्ट सरकार बनेगी। वैसे भी कहते हैं ना प्रतीक जी कि एक बार आने दीजिए सत्ता में, उसके बाद तो जाएंगे नहीं जी। तो ये हम अक्सर कहते थे पॉलिटिक्स का चाणक्य हम अमित शाह को कहते हैं, लेकिन यहाँ केजरीवाल साहब भी कम नहीं है। ये चाणक्य तो नहीं, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ दीमक है, लंबा चलेंगे। और फ्री का लड्डू ना लोगों को अच्छा लगता है, फ्री में जो मिल रहा हो तो लोगों को भी अच्छा लगता है, और देश के लिए बड़ा हानिकारक होगा फ्री का लड्डू। जी चलिए कोई बात नहीं, हम जल्दी से जो हमारे ज्योतिष आचार्य ने प्रेडिक्शन दिए, अक्षय गुप्ता जरा वापस से बता दें किस किस ने कितने नंबर्स दिए। गणित अनुमान जो है वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपके सामने पिक्चर रखते हैं कि शैलेंद्र पांडे जी ने क्या, श्रुति द्विवेदी जी का अनुमान ये है कि आप 60 से 70, कांग्रेस 30 से 35, ये है पंजाब का गणित। श्रोमणि अकाली दल 22 से 25 सीटें इनके खाते में, तो तगड़ी टक्कर है यहाँ भी वैसे, बट आप फैक्ट काम कर रहा है बीजेपी। और शैलेंद्र पांडे जी का अनुमान पंजाब में आम आदमी पार्टी, इन्होंने तो क्लियर कर दिया है ना, 55 से 60, कांग्रेस 50 से 55, श्रोमणि अकाली दल के खाते में 8 से 10 सीटें, और बीजेपी प्लस 0.5 सीटें इनके खाते में। प्रतीक भट्ट जी का अनुमान आम आदमी पार्टी 75 से 100, कांग्रेस के खाते में 25 से 35 सीटें, और श्रोमणि अकाली दल 8 से 10 पर सिमट कर रह सकती है। श्रुति द्विवेदी जी का अनुमान आप 60 से 70, कांग्रेस 30 से 35, श्रोमणि अकाली दल 22 से 25 और बीजेपी प्लस 9 से 12, ये है हमारे तमाम ज्योतिष एक्सपर्ट्स का गणित। सचिन श्रोमणि जी का अनुमान है कि आम आदमी पार्टी को 60 से 62, कांग्रेस के खाते में 45 से 50, श्रोमणि अकाली दल 6 से 8, बीजेपी प्लस 4 से 6। एक 117 सीटें, लेकिन इंतजार अभी करना होगा क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और जो तस्वीर है वो धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अभी उत्तराखंड गोवा और मणिपुर की बात करेंगे। चुनावी नतीजों का इंतजार हम कर रहे हैं, 10 मार्च को आने नतीजे, और उससे पहले एग्जिट पोल में जो तस्वीर आई है उसी तस्वीर को हम कंपेयर कर रहे हैं। तमाम ज्योतिष आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं और वो कुंडली और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से एक अलग तस्वीर बता रहे हैं। नंबर्स अलग अलग स्टेट में किस पार्टी को कितने आ रहे हैं वो बताने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने पंजाब का जिक्र किया, हमने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, उत्तराखंड की बात करते हैं। शैलेंद्र जी के पास सीधा मैं चलूंगी। शैलेंद्र जी, पुष्कर धामी वर्सेज हरीश रावत, कांग्रेस या बीजेपी?
देखिए एक बात तो ये है कि जो सितारे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के पक्ष में, बहुत दिनों बाद ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा से बैक टू बैक वापसी करेगी। हालांकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीटों का जो अंतराल है वो लगभग 4-5 सीटें होंगी, उससे ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, लेकिन संभावना पुष्कर सिंह धामी की प्रबल है। मकर राशि है उनकी और उनकी कुंडली की जो स्थिति है सूर्य की वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल है इस समय। अगर ये चुनाव 15 अप्रैल के बाद होता तो शायद स्थितियां फेवरेबल नहीं होती, लेकिन 15 अप्रैल के पहले चुनाव भी हो रहा है, परिणाम भी आ रहे हैं, तो उत्तराखंड में लगभग 32 से 35 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आ रही है, ये संभावना बनती है। श्रुति जी आप बताइए, यहाँ उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, थोड़ी सी भूमिका यहाँ पर निर्दलियों की भी कही जाती है, लेकिन आपका गणित क्या कहता है? जी मेरे हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस का, जो शैलेंद्र जी ने कहा बिल्कुल सही, नेक टू नेक फाइट होगी, बीजेपी की दोबारा वापसी हो सकती है। पुष्कर सिंह धामी की कुंडली कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है एट द मोमेंट ग्रह गोचर की चाल से हरीश रावत के, जब ये राहु का ट्रांजिट हो जाएगा ना 17 मार्च से, तो हरीश रावत के लिए ये टाइम पीरियड होगा अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का। तो अगर ये, जो कि बनना मुश्किल है, अगर बन भी जाते हैं तो ये लंबे टाइम तक टिकेंगे नहीं, तो बेसिकली इनके लिए जो टाइम है ये अपनी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करें, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अप्रैल ऑनवर्ड्स। जहाँ बात आती है पुष्कर सिंह धामी की, प्रोबेबिलिटी है इनकी हाई, लेकिन मैं जो नंबर ऑफ सीट्स दूंगी वो मैं कांग्रेस को मैंने ज़्यादा दी है, प्रोबेबिलिटी मुझे कांग्रेस की ज़्यादा लग रही है, लेकिन बीजेपी नेक टू नेक फाइट होगा इस बार, काफ़ी टफ है जी। लेकिन क्या पुष्कर सिंह धामी लंबी रेस के घोड़े होंगे, क्योंकि पिछले टेन्योर में हमने देखा है कि बीजेपी ने लगातार कितने सीएम बदले हैं? तीन सीएम्स बदले गए। पुष्कर सिंह धामी औरों से बेहतर कुंडली है, लेकिन स्टिल हरीश रावत से कमजोर है, और यही एक फैक्टर है। जब भी हमें कुंडली देखनी चाहिए तो नेता और नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ स्टेट्स की लीडिंग पार्टीज की, तो यहाँ पे भी कांग्रेस और बीजेपी को अगर देखें, जब उनकी सरकार बनी, उनकी शपथ ग्रहण हुए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस थोड़ा सा भारी पड़ती हुई दिखती है, लेकिन नेक टू नेक फाइट है। 35-40 में ऐसे सीटें बटेंगी दोनों के बीच, और सबसे बड़ी सुखद खबर है यहाँ पर कि हाथी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मतलब मायावती भी 2-3 सीटें यहाँ पर ले आएंगी इस बार। यूपी ना सही, चलो उत्तराखंड सही। जी जी मेरे हिसाब से देखो उत्तराखंड में जो है हरीश रावत जो है भारी पड़ेंगे, और उनकी जो है 32-35 सीट आएगी, और बीजेपी जो है 30-32 सीट पे ही रह जाएगी, और 99.9% जो है कांग्रेस की सरकार जो है बनने का योग बन रहा है, आम आदमी की एक सीट आने का अनुमान रहेगा, और हाथी की भी 1-2 सीट आ सकती है, खाता खुल सकता है आम आदमी पार्टी का वहां पर। सचिन जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर बात करें तो नवजोत जी, यहां पर पुष्कर धामी की जो पत्रिका है जो हमें प्राप्त हुई है, वहां पर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, तो नो डाउट ये अपनी सीट तो निकालेंगे ही, लेकिन कांग्रेस इनको यहां पर कांटे की टक्कर जरूर देगी। 28-30 सीटें मैं कहूंगा यहां पर बीजेपी, और करीब करीब 32-34 या 35 तक जो है वो यहां पर कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जल्दी से आप सभी का आकलन, एक्चुअल नंबर्स क्या क्या आप दे रहे हैं शैलेंद्र जी, उत्तराखंड में बीजेपी के पास कितने, बीएसपी और कांग्रेस सबके पास कितने कितने नंबर्स, और यहां पर आम आदमी पार्टी का संजय जी ने जिक्र कर ही दिया है। देखिए उत्तराखंड में मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 32-35 सीटें मिलनी चाहिए, और कांग्रेस को 30-32 सीटें मिलनी चाहिए, ये संभावना दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इनको 1-1 या 2-2 सीटें मिलने की संभावना बनती है, एक सीट से ही सही, 2 सीट से ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे रहने की उम्मीद अभी भी जारी है। श्रुति क्या आप इत्तेफाक रखते हैं शैलेंद्र पांडे जी के इस मैच से? काफी हद तक, पर मैंने जो नंबर ऑफ सीट्स दी है बीजेपी को उत्तराखंड में 26-32, और इसका एक महज रीजन ये है कि जो तीन सीएम्स बदले गए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, ये एक प्राइम रीजन रहा है। कांग्रेस 32-38 मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, लेकिन सरकार बनाना, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, सरकार बनाना एक अलग बात है, नंबर ऑफ सीट्स अलग बात है, और आम आदमी पार्टी का अकाउंट ओपन हो सकता है यहाँ पे, कांग्रेस ही स्थिर सरकार दे पाएगी। जी चलिए मैं आती हूँ, आप जरा प्रतीक जी से नंबर्स ले लेते हैं। नेक टू नेक फाइट है जैसा कि बताया, और खास तौर से आम आदमी और बसपा का भी कहीं ना कहीं उद्भव होगा इस चुनाव के बाद, लेकिन
कहीं ना कहीं इस समय की अगर देखें देवदशा काल का चाल तो पुष्कर सिंह धामी थोड़ा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो 30 से 35 सीटें के अराउंड नेक टू नेक ही जीतेंगे, कोई बड़ी जीत उनसे आप एक्सपेक्ट मत करिए। और कहीं ना कहीं 3 CM जो बदले हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा, ये चीज़ें बैकफायर करेंगी आपको, तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो बीजेपी 30-40, अगर कांग्रेस की बात करूँ तो ये भी कहीं ना कहीं इसके अराउंड ही रहेंगे, 15-20 थोड़ा सा कम हो रहा है। और बसपा की बात करूँ तो 2 सीटें अराउंड दिखती हैं बसपा की भी मुझे वहाँ जी पर। जी संजय जी, कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं बिल्कुल कितने नंबर देंगे? 32 से 35 सीट कांग्रेस की आएंगी। हाँ, खुश हो जाएगी कांग्रेस, फाइनली कहीं तो गढ़ बच रहा है जी। और बीजेपी को कितनी सीट्स दे रहे हैं? 30 से 32। 30 से 32। सचिन जी? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर बीजेपी जो है वो लगभग 28 से 30 के बीच में सिमटेगी। हाँ। और कांग्रेस जो है वो 32 से 34 के करीब। आम आदमी हो सकता है यहाँ पर अपना खाता जरूर खोले जी। चलिए, ये तो बात हुई उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बाद जिस स्टेट पर सबसे ज्यादा नजर है वो है गोवा। गोवा का रुख करेंगे। देखिए, गोवा में तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी इस बार गई हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी वहां पर बहुत सारी रैलियां हुई हैं। अरविंद केजरीवाल बार बार वहां पर जाते रहे हैं। ममता बनर्जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर्स हमने वहां पर देखे हैं। लेकिन क्या वाकई ये दोनों पार्टियां टक्कर दे पाई हैं कांग्रेस और बीजेपी को या नहीं? और क्या गोवा में इस बार क्लियर मैंडेट, क्लियर सरकार होगी या फिर नहीं होगी? हम सीधा शैलन जी के पास चलेंगे। शैलन जी, गोवा में नेताओं की कुंडली क्या कह रही है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का खाता खुल जाए, तृणमूल को वो भी नसीब होना मुश्किल लग रहा है। प्रमोद सावंत जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं गोवा के, अगर उनकी कुंडली हम देखें तो धनु राशि है, 7.5 ही उतर रही है, जोर का झटका दे सकती है। हालांकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ भी नेक टू नेक की फाइट है, लेकिन जिसको भी सीटें ज़्यादा मिलेंगी वो क्लियर मेजॉरिटी में आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को भी बराबर और इसको भी बराबर फिर एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर भी 1 या 2 सीटें ज़्यादा बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं। अब वो किस गणित से मिलेंगी वो वही जाने, लेकिन संभावना ज़्यादातर गोवा में लगता है कि 15-17 सीटें बीजेपी को मिलनी चाहिए और 14 से 16 सीटें, याद रखिए 1 या 2 सीटों का अंतर दिखता है केवल, कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी, श्रुति जी, कितने नंबर्स देंगे आप? देखिए, अगर मैं बात करूं गोवा की तो मेरे हिसाब से बीजेपी को 13-17 सीट्स दी हैं मैंने, वहीं कांग्रेस को 12-16। तो नेक टू नेक फाइट मुझे यहाँ नज़र आ रही है, बट बीजेपी ऑब्वियसली 1-8 सीट से एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। आम आदमी पार्टी अकाउंट ओपन रहेगा, 5-6 सीट्स आती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन क्लियर मेजोरिटी मुझे लग रहा है कि बीजेपी की इस बार गोवा में होती हुई नज़र आ रही है। जी प्रतीक जी, यहाँ पर भी मामला काफ़ी टफ है और नेक टू नेक फाइट देखी जाएगी। 18 से 22 सीटें अराउंड कहीं ना कहीं रहेगी डेफिनेटली बीजेपी की, और 15 से 20 आप कह सकते हैं कांग्रेस की। आप 1 सीट मैक्सिमम या 2 सीट, टीएमसी जैसा कि पांडे जी ने भी कहा, 1 या खाता नहीं खुलेगा। संजय जी, कल गोवा गौन होने वाला है, बिल्कुल, तो किसका होगा कल? देखो, गोवा में 100% जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। और जरा एक बार मैं संजय जी लौटती हूँ, जरा प्रतीक जी के जो नंबर्स है वो बता देते हैं वापस से। प्रतीक जी, बीजेपी 18-22 आप बता रहे हैं, कांग्रेस 10-15 जी, और उसमें जब अन्य वाला फैक्टर आ जाता है जिसमें आम आदमी पार्टी, टीएमसी भी हार ली थी। चलिए संजय जी, जी बिल्कुल, पहली चीज गोवा में बीजेपी की सरकार बनेगी और 16 से 19 सीटें जो है बीजेपी लेकर आएगी, और कांग्रेस जो है 14 या 15 सीट पे सिमट जाएगी। आम आदमी पार्टी 1 सीट से ऊपर नहीं ला पाएगी, और दूसरी जो और पार्टी हैं उसमें 1-1 सीट आ सकती है, उससे ज़्यादा सीटें आने का अनुमान नहीं है ममता जी का भी। जी सचिन जी, देखिए गोवा के अंदर बात करें तो बहुत कांटे का यहाँ पर टक्कर नज़र आ रही है। बीजेपी जो है वो 15 से और 18 के लगभग यहाँ जो है ले जाएगी सीट्स, और कांग्रेस जो है वो 12 से 14 के मध्य जो है हर तरीके से सिमटती हुई नजर आ रही है। और बाकी अन्य के खाते में कुछ जा रहा है? अन्य के खाते में मैक्सिमम हो सकता है बहुत ज्यादा से ज्यादा शायद आम आदमी पार्टी जो है 1 शायद सीट उसको मिल जाए। यानी गोवा में तकरीबन अगर हम यहाँ से अपने ज्योतिष आचार्य की बात सुने तो कम से कम मतलब गोवा में आप अपना खाता खोल रहे हैं, एक का चांस है, एक सीट का, एक ही सीट के साथ हो तो खुल सकता है। चलिए हम मणिपुर का भी रुख कर लेते हैं, उत्तर पूर्व का वो राज्य है, तो शैलेन जी वहाँ की पिक्चर भी बता दीजिए। बहुत स्पष्ट पिक्चर है मणिपुर की, सीधी मेजॉरिटी बीजेपी को मिलती दिखती है।
30 से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में मिलेगी, कोई संशय ही नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस को ठीक आधी 15 से 20 सीटें, और बाकी बचे हुए जो अन्य हैं, अदर्स हैं, मणिपुर के जो फ्रंट हैं, वो सब जो हैं वो लगभग 4 से 5 सीटों पर सिमटेंगे। बहुत स्पष्ट लगभग 30 से 32 सीटों तक बीजेपी वहाँ बहुत आराम से पहुँचेगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस, जो उससे ठीक आधी सीटों पर सिमट जाएगी। श्रुति जी, वैसे खासतौर पर अगर हम उत्तर पूर्व की सीटों की बात करें तो ये कहा जाता है कि जिसकी सेंटर में सरकार होती है उत्तर पूर्व में वही सरकार बनाता है जी। और इत्तेफाक से मुझसे किसी ने पूछा भी था कि अभी मणिपुर का क्या हाल होने वाला है, तो नवजोत जी मैं ये कहूंगी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिसकी सेंटर में सरकार होती है वही नॉर्थ ईस्ट में दोबारा सरकार बना पाता है। तो बीजेपी रिपीट्स इन मणिपुर इलेक्शंस। मुझे लगता है बीरेन सिंह की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, कुंडली मैंने पढ़ी भी है, एनालाइज भी करी है, तो उनकी चांस of becoming the CM again बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो थोड़ा उनकी कुंडली को भी एनालाइज कर दीजिए। अच्छा, बीरेन सिंह जी की अगर मैं कुंडली देखूं, मुझे एक सेकंड दीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है। अगर इनकी महादशाएं देखी जाएं और ग्रह गोचर की जो पोजीशन देखी जाए उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दिस टाइम विल बी वेरी वेरी फेवरेबल फॉर हिम, बहुत ज़्यादा फेवरेबल। जुपिटर जो है वो इनको लग्न में, मतलब राशि में बैठ गया, तो बैठा हुआ जुपिटर जो है वो बहुत लाभ देकर जाएगा, लाभ पे पूर्ण दृष्टि दे रहा है। अगर मैं मेन कुंडली से देखूं, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली बनती है, तो लाभ भाव पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है। तो जब लाभ पे पूर्ण दृष्टि जुपिटर देता है, जुपिटर की दृष्टि जो है अमृत दृष्टि कहलाई जाती है, उसे डेफिनेटली जो है बेनिफिट्स कहीं ज़्यादा मिलते हुए नजर आ रहे हैं। शनि मंगल जो है वो अगर चंद्र कुंडली से देखा जाए तो 12वें भाव में बैठा हुआ शत्रुहंता योग बना रहा है, 6th हाउस पर पूर्ण नजर दे रहा है, तो डेफिनेटली क्लियर मेजोरिटी से मुझे लग रहा है कि इस बार मणिपुर मेजोरिटी के साथ आएंगे और लंबा खेलेंगे। ये कहा जा सकता है मणिपुर में बृहस्पत का पॉजिटिव इम्पैक्ट है उनके ऊपर, खास तौर से इस वजह से ये जो भी जीत होगी ये लंबा जाएगी और काफ़ी मायनों में चेंजेस भी लाएगी हमारे पूर्वोत्तर में। बीजेपी की बात करूं 35-40, कांग्रेस की बात करूं 10-15 आ रही है, और NPP की भी अराउंड 5-6 सीट अराउंड अराउंड दिखती है। सचिन जी देखिए, नवजोत जी, उत्तर पूर्व का अर्थ ही बृहस्पति होता है, उत्तर पूर्व का जो कोना होता है उसका स्थान ही बृहस्पति का, तो बृहस्पति यहाँ पर एक बुध जो है यहाँ पर हर तरीके से अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि श्रुति जी ने भी कहा कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो अमृतमयी मानी गई है। बीजेपी यहां पर 32 से लगभग 35 सीटें लेकर जरूर आएगी, और कांग्रेस 13 से 15 के मध्य से मटती हुई नजर आ रही है। संजय जी कहते हैं ना, जिसकी कुंडली में बृहस्पति जो है वो स्ट्रांग होता है वो बहुत ऊपर जाता है। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं आपका, जैसे बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट का जो स्वामी है वो गुरु ही है, और मेरे हिसाब से बीजेपी जो है 35 से 37 सीटें लाने का पूर्ण अनुमान है और उनकी सरकार बनेगी, और कांग्रेस 8 से 13 सीटों पर सिमट जाएगी जी। कुंडली के 1 लाख दोष दूर करता है, ऐसा ऋषि पराशर लिखते हैं, अगर बृहस्पति लग्न में हो वही मणिपुर के शासक में दिखती है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस लाएगी। बिल्कुल, होलास्टिक की भी शुरुआत हो रही है, अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि कल जब नतीजे आ जाएंगे शैलेंद्र जी, तो उसके बाद अब ये होगा कि सरकार बनानी है, सरकार कब बनानी है, शपथ ग्रहण समारोह, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, ये सारी चीजें भी शुरू हो जाएंगी, तो उस हिसाब से मुहूर्त कौन से सही और सटीक बैठते हैं? देखिए, तकनीकी रूप से होलास्टिक का जो मामला है वो ज़्यादातर मथुरा ब्रज में या सतलज नदी पंजाब के किनारे पर असर डालता है, पूरे भारतवर्ष में हर जगह होलास्टिक की मान्यता नहीं है। फिर भी एक बात जो इस समय अहम है वो ये है कि जो शुभ कार्यों के स्वामी माने जाते हैं बृहस्पति, वो इस समय अस्त हैं, तो अगर आप शपथ लेना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा सूर्य के राशि परिवर्तन का, यानी जो भी काम करिएगा कोशिश करिएगा कि 20 मार्च के बाद शपथ बनाएं, कैबिनेट बनाएं, 20 मार्च के बाद सरकार फॉर्म करें, सही मुहूर्त में तो ज़्यादा अच्छा होगा। 20 मार्च के पहले सरकार बनाना, शपथ लेना किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा। श्रुति, वैसे ये हमने देखा है कि हमारे जितने भी सियासतदान है ना, वो ये सारे गणित बिठा के ही, आप देखिए कि जब वो चाहे वो नॉमिनेशन पे जाने की बात हो या फिर अपना वोट कास्ट करने की बात हो, प्रॉपर मुहूर्त निकाल के सब लोग जाते हैं। और इससे बड़ी बात क्या है कि
पूरा जो चुनाव रखा गया है ये राहु और शनि के ट्रांजिट के पहले रखा गया है। राहु के ट्रांजिट के आसपास या लेटर ऑन रखते चुनाव का जो नतीजा है वो भी एक हफ्ते पहले आ रहा है, राहु के ट्रांजिट के बाद रखते तो पूरे परिणाम हेर फेर हो सकते थे। शनि भी ट्रांजिट कर रहे हैं तो इस वर्ष में जो ये दो तीन ट्रांजिट है, बृहस्पति भी अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं, फिर वक्री हो जा रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना सारे लोग हैं मानते ही हैं, ये झुटला नहीं सकता कोई, कोई ये कह नहीं सकता कोई राजनेता के बगल में अगर कोई ज्योतिष हो तो डेफिनेटली अपनी कुंडली धीरे से दिखाई देगा। प्रतीक जी आप मुझे ये बताइए, कहते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से हर स्टेट में परिस्थितियां बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं, देश दशा काल का असर होता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड फॉर द इंडिया। बृहस्पति राहु केतु शनि चार सबसे बड़े ग्रह चेंज हो रहे हैं इसी साल में, और शनि अतिचारी होंगे, पिछले दो साल से बृहस्पति अतिचारी थे। अतिचारी एक टर्म होता है जब आदमी सामान्य अवस्था से तेज चलता है ज्योतिष में, यही शनि के साथ हो रहा है, तो ये न्यू रखी जा रही है भारत के उज्ज्वल भविष्य की। जो भी सरकारें आएंगी निश्चित तौर पर उम्मीद कर सकते हैं बेहतर काम करेंगी। रही बात होलास्टक की, तो जैसा पंडित जी ने कहा कि 18 तारीख तक 17 तारीख तक रहेगा ये, तो लोग इसको मानेंगे, लेकिन वहीं पर जैसे लखनऊ में कोई भी नदी इस तरह की नहीं बहती है, तो निश्चित तौर पर आप सरकार बना सकते हैं उसके पहले भी। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो गंगा भी है, यमुना भी है, लेकिन शपथ ग्रहण देख लीजिए पंजाब में है। शपथ ग्रहण का जहाँ पे स्थिति है वहां से अगर हम देखें इसको, तो लखनऊ में नहीं है, गोमती नदी है जो कि उसमें नहीं आती है, तो निश्चित तौर पर पंजाब में मामला फंस सकता है और उत्तराखंड में मामला फंस सकता है, बाकी कहीं पे मामला फंसता नहीं दिखता। एक और बात कही की होलास्टक का प्रभाव हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, पर ये कि कहीं पे भी मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है कि कुछ लिखा हुआ है ऐसा, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। होलाष्टक का मतलब है कि जो होली के पहले वाले जो आठ दिन होते हैं ना, अष्ट का मतलब आठ होता है, और आठ दिन पूरे, मैं तो कहता हूँ पूरे संसार में ही होली मानी जाती है। ये तो है नहीं कि होली जो है एक त्यौहार के रूप में भी मानते हैं, और एक होली का ना डंडा गढ़ जाता है जिसपे आप होली दहन करते हो, तो वो एक महीने पहले लग जाता है, और उस कारण से जो है होलाष्टक का जो महत्व है, मैं तो कहता हूँ पूरे संसार में ही रहेगा, नदियों से उसका कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। और पर मैं ये जरूर कहूँगा कि 20 तारीख के बाद ही जो है शपथ लेनी चाहिए सबको, क्योंकि उससे कुछ प्लैनेट ट्रांजिट हो जाएंगे, सूर्य भी बदल जाएगा, तो उससे जो है सबके लिए बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए होलास्टक का प्रभाव पूर्णतः रहेगा, लेकिन बृहस्पति जो कि शुभ कार्यों के कारक माने गए हैं, यानी कि हर जो शुभ कार्य करते हैं, जैसे आपको शपथ लेनी है, सीट ग्रहण करनी है, आप मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं किसी भी लेवल पर, तो आपको बृहस्पति जब तक अस्त है शुभ कार्यों के अंदर जो है इस चीज की जो है मान्यता जरूर देखी जाती है, जो कि शुभ कार्यों का कारक भी माना जाता है। तो अच्छा होगा कि 20 तारीख के बाद जब सूर्य की स्थिति भी बदल जाएगी, तो ये शपथ जो भी लेने का जो कार्यक्रम है इन लोगों का 20 तारीख के बाद रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कल है भी वैसे बृहस्पतिवार, तो घर से जो भी निकलेगा तो बृहस्पति जी की केसर का तिलक लगा के घर से निकलेंगे, केसर का तिलक, केसर ग्रहण भी कर सकते हैं, हल्दी को जेब में और पीला रंग आप पहन सकते हैं। बिल्कुल, चलिए ये तो हमने कोशिश की, देखिए एग्जिट पोल आ चुके थे लेकिन हमारे ज्योतिष आचार्य अपने हिसाब से कुंडलियों के हिसाब से उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि एक्चुअली स्टेट में क्या पोजीशन, क्या सिचुएशन है। देखिए गोवा में संजय शर्मा जी का जो प्रेडिक्शन था वो एक बार जल्दी से बता देते हैं। बीजेपी को 16 से 19 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस के खाते में 14 से 15 सीटें जा रही हैं, 40 सीटों वाली ये पूरी विधानसभा है। अब गोवा में ही संजय शर्मा जी की ये प्रेडिक्शन थी, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तकरीबन सभी ये कह रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार गोवा में फिलहाल बना सकती है, संशय हालांकि पहले था और एग्जिट पोल में भी थोड़ा सा संशय दिखाया गया है, लेकिन हमारे जो ज्योतिष आचार्य हैं उनके हिसाब से पूर्ण बहुमत की सरकार गोवा में बन सकती है, कंफ्यूजन की स्थिति वहां पर कोई होगी नहीं। प्रतीक जी का भी कुछ वैसा ही अनुमान है, 18 से 22 सीटें, 40 वाली विधानसभा है ये गोवा की, 20 नंबर एग्जैक्टली चाहिए, जादुई जो आंकड़ा हम कहते हैं 20 या 21 का जादुई आंकड़ा है। 10 से 15 सीट अगर कांग्रेस के खाते में आती है तो बहुमत से काफ़ी पीछे रह सकती है। सचिन शिरोमणि जी का मानना था कि 15 से 18 सीटें, 12 से 14 सीटें, देखिए गोवा में ज़्यादा बीजेपी के लिए परेशानी नहीं होगी सचिन जी, क्योंकि 15 से 18 अगर होती भी है तो अन्य से कहीं ना कहीं बीजेपी जुगाड़ कर ही लेगी, ये पता ही है। श्रुति जी 13 से 17 श्रुति जी बता रही हैं, और कांग्रेस 12 से 16, वहाँ श्रुति जी मैं ये भी कहूंगी कि 3 का जुगाड़ करना मुश्किल होगा नहीं, स्पेशली बीजेपी के लिए, क्योंकि इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड वेरी गुड एट हॉर्स ट्रेडिंग, वेरी वेरी गुड एट हॉर्स ट्रेडिंग, एंड गोवा इज डेफिनेटली वेरी गुड एट हॉर्स ट्रेडिंग। तो ये गोवा की पिक्चर हम आपको दिखा रहे थे, मणिपुर
60 सीटों वाली ये विधानसभा है और शैलेंद्र पांडे जी का जो प्रेडिक्शन है वो 30 से 32 सीट के बीजेपी यानी क्लियर मेजोरिटी बीजेपी ले सकती है, 15 से 20 कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। संजय शर्मा जी भी वहां पर बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि 35 से 37 सीटें आएंगी, 12 से 13 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। ये मणिपुर की पिक्चर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतीक भट्ट जी का अनुमान भी आपको दिखा देते हैं। मणिपुर में बीजेपी के खाते में इन्होंने डाली है 35 से 40 और कांग्रेस के खाते में 10 से 15। क्लियर मेजोरिटी यहाँ पर। अच्छा, जो मतलब एग्जिट पोल वाला कंफ्यूजन की स्थिति थी वो हमारे ज्योतिष आचार्य ने बिल्कुल क्लियर कर दी है। सचिन शिरोमणि जी का अनुमान भी देख लेते हैं। मणिपुर में बीजेपी को 32 से 35 और कांग्रेस को 13 से 15। चलिए, फिलहाल आप सभी का यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महज कुछ ही घंटों का वक्त अब बचा है। एक्चुअल नतीजे क्या है, कौन बना रहा है सरकार, कौन होगा सत्ता पर काबिज, बस कुछ ही घंटों बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।